परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वीडियो नंबर 15। ठीक है, तो इसमें अब नया टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में चालू कर रहे हैं। एन वस्तुओं में से आर के संचय, एन वस्तुओं में से आर के संचय, यानी आर को चुनना है। पी विशेष वस्तु, जैसे कि पी विशेष वस्तु है पहली कंडीशंस बन देंगी सदैव सम्मिलित हो, उनको यानी कि लेना ही लेना है, तो क्रमशः एन माइनस का बी सी आर माइनस बी होगा। दूसरा है कभी सम्मिलित ना हो, यानी कि जो पी विशेष वस्तु है कभी सम्मिलित ना हो, ये हो जाएगा एन माइनस का बी सी आर। ठीक है, ये फॉर्मेट है और जैसे कि इस पर डिपेंडिंग क्वेश्चन है, एक वॉलीबॉल का गेम है, वॉलीबॉल की 12 खिलाड़ियों में से 9 की टीम बनानी है, 12 खिलाड़ियों से 9 की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। 9 की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, कप्तान को रखना आवश्यक है। यानी कप्तान उसमें जरूर रखा जाएगा। तो यहाँ पे कप्तान विशेष वस्तु हो गया, कप्तान हो गया पी, पी कर लो वन, एक कप्तान है, तो बाकी जो चुने जाएंगे 8 बचेंगे। ठीक है, यानी 12 में से एक कप्तान भी होगा। तो अब यहाँ ही फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एन इक्वल टू 12 था, आर इक्वल टू 9 था, तो यह हो जाएगा सदैव सम्मिलित हो, यानी कप्तान को जरूर लेना, एन माइनस पी सी आर माइनस पी। तो एन 12 माइनस का 1 सी 9 माइनस का 1, मतलब यह हो गया 11 में से कोई से 8 चुनने हैं, 11 सी 8। ठीक है, यानी कि 12 में से एक कप्तान था, कप्तान को चुन लिया, तो 9 जो चुनने थे 9 में से एक चुना गया, यानी 8। ठीक है, तो 12 में से एक अलग कर दो, यानी 11 में से कोई से 8 चुनने हैं, कप्तान अवश्य रूप से चुन लिया। इस तरह से भी उसको आइडियाज लगा सकते हैं डायरेक्टली, यानी कि इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं तो भी वही बात है, यानी 11 में से कोई से 8 अलग और चुनने हैं, एक कप्तान हमेशा ही रहेगा। ठीक है, तो 11 सी 8 इसको सॉल्विंग करेंगे तो आंसर बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अब आते रहेंगे, तो इन बातों पे ध्यान रखना है कि फॉर्मेट में क्वेश्चंस कौन सा अप्लाई होगा, यानी कि फॉर्मूला कौन सा रखा जाना है। तीसरी फॉर्मेट है, इसमें संभव संयोगी संख्या, यानी कि एन असमान वस्तु है, वस्तु में एक बार में कुछ, अथवा सभी वस्तुएं लेने पर बने संचयों की संख्या संख्या ज्ञात करना। ठीक है, यह होता है 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 या n असमान वस्तुओं में से एक या अधिक वस्तु लेकर बने संचयों की संख्या। ठीक है, या इस फॉर्मेट को इस तरह से लिखा जा सकता है, एन असमान वस्तुओं में से एक या अधिक वस्तु लेकर बने सभी संचयों की संख्या 2 की पावर n-1 है। इस पे फॉर्मेट पे कुछ क्वेश्चन है, सौरभ के 6 मित्र हैं, सौरभ के कितने मित्र हैं, 6 मित्र, वह उनमें से एक या एक से अधिक, एक अथवा एक से अधिक वह राजभोग पर कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है, उनमें से
एक अथवा एक से अधिक, यानी एक अथवा एक से अधिक वस्तु लेकर बने समुच्चय, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, एक अथवा एक से अधिक को राजभोग पर कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है। मित्र हैं 6, यानी कि 2 की पावर 6 माइनस 1, यानी कि जगह 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 दुनी 64, ठीक है, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 दुनी 32 दुनी 64, 2 की पावर 6 माइनस 1 यानी कि 63 प्रकार से, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ऐसे होने हैं। नेक्स्ट है, मैं इस टाइप में जो एक दो क्वेश्चन और हैं मैं उनको एंड कर देता हूँ इस वीडियो के साथ साथ, जैसे परीक्षा में पास विषय हैं, परीक्षा में कितने विषय हैं, 5 विषय हैं, ठीक है। प्रत्येक विषय में पास होना, न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है, एक छात्र कितने प्रकार से असफल हो सकता है। पास होने के लिए लिए न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है, अनिवार्य है, छात्र कितने प्रकार से असफल हो सकता है, यानी कम से कम एक में होगा असफल या एक से अधिक में होगा, तो एक या एक से अधिक वाली कंडीशन लग जाएगी, ठीक है। छात्र कितने प्रकार से असफल हो सकता है, जहाँ असफल वाली बात आएगी तो कम से कम एक में जरूर असफल होगा या एक से ज़्यादा में। तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 1, ठीक है, एन इक्वल टू 5, 32 माइनस 1 इक्वल टू 31 प्रकार से जो है असफल हो सकता है, ठीक है। एक सब्जेक्ट में हो या दो में हो या तीन में हो या चार में हो या पांचों में हो या उसमें हो, ऐसे ऐसे कंडीशन बनेगी। तो सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, 10 कलमों में से कितने प्रकार से कलम छट जा सकते हैं, ये भी वैसे ही 10 कलम है में से कितने प्रकार से कलम छाटे जा सकते हैं, कम से कम एक छाटेंगे, एक से एक से अधिक प्रकार से कलम छाटी जा सकती है। तो आंसर रहेगा 2 की पावर 10 माइनस 1, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन अगर इस पे आता है, परीक्षा में 6 विषय हैं, 6 में से कितने प्रकार से मतलब उत्तीर्ण होने के लिए लाना अनिवार्य है, कोई कितने प्रकार से असफल हो सकता है, तो वो इस टाइप का क्वेश्चन होगा।